देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हम सफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों सप्रेम जय भीम, हमें एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। सबसे पहले ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के तमाम कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे स्वागत करते हैं और आप सभी का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों कविता हमारी इस सेगमेंट में हाल ही में ही हमने जो एक हिंदी कविता लिखी है, इस हिंदी कविता को आपके सामने आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं और पढ़कर सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों पूरे विश्व के अंदर में बहुत लोग अपनी माँ को बड़ा मानते हैं, माँ का बड़ा सम्मान भी करते हैं, लेकिन जो बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण होता है उसमें माँ के बराबर पिता का भी योगदान होता है और इसलिए हम पिता के संबंध में एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे व्यक्तित्व निर्माण में हमारे पिता हीरामन जी अमृतराव तायडे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और हाल ही में ही 21 मई को उनका तीसरा स्मृति दिन था और इसलिए हम चाहते हैं कि इस कविता के माध्यम से हम अपने पिता को भी आदरांजलि अर्पित करें और अभिवादन करें। तो आइए लीजिए सुनिए हमारी हिंदी कविता और इस कविता का शीर्षक है पिता तमाम खुशियों का एक बड़ा गांव है। पिता तमाम खुशियों का एक बड़ा गांव है। अपने बच्चों से पिता का दोस्ती का गहरा नाता होता है। अपने बच्चों से पिता का दोस्ती का गहरा नाता होता है। बारिश में पिता अपने बच्चों का छाता होता है। बारिश में पिता अपने बच्चों का छाता होता है। सफर में अपने पैसे बच्चे को पिता पिलाता है अपने हिस्से का पानी। सफर में अपने प्यासे बच्चे को पिता पिलाता है अपने हिस्से का पानी। अपने बच्चों के अरमान पूरे करने के लिए पिता मेहनत करने में खर्च करता है अपनी सारी जवानी। पिता खर्च करता है अपनी सारी जवानी। बच्चों के अच्छे परवरिश के खातिर पिता दिन रात मेहनत करके अपना खून सुखाता है। बच्चों के अच्छे परवरिश के खातिर पिता दिन रात मेहनत करके अपना खून सुखाता है। अपने नादान और नासमझ बच्चों को पिता सही राह दिखाता है। पिता अपना दर्द और अपनी पीड़ा हमेशा अपने दिल के अंदर दफन करके रखता है। सीने में अपना गम छिपाकर पिता हमेशा खुश दिखता है। पिता के पास भी माँ के तरह ही कलेजा होता है। बच्चा बीमार पड़ जाए तो पिता अकेले में छिपकर रोता है। घर की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, पिता की कैसी भी हो आर्थिक मजबूरी, लेकिन हर बार पिता अपने बच्चों की हर ख्वाहिश करता है पूरी। अपने बच्चों के लिए बाजार से पिता खूबसूरत खिलौने खरीद कर लाता है। खूबसूरत खिलौने खरीद कर लाता है
अपने बच्चों को अपने कंधे पे बिठाकर, अपने बच्चों को अपने कंधे पे बिठाकर, अपने पीठ पर बच्चों का बस्ता लादकर, अपने 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 बच्चों को पिता पैदल स्कूल पहुंचाता है, अपने बच्चों को पिता पैदल जाकर स्कूल पहुंचाता है। धूप में पिता घने आम के पेड़ की घनी छाव है, धूप में पिता घने आम के पेड़ की घनी छाव है, पिता अपने बच्चों के लिए तमाम खुशियों का एक बड़ा गांव है, पिता अपने बच्चों के लिए तमाम खुशियों का एक बड़ा गांव है। पिता मीठा पान है, पिता परिवार की शान है, पिता मीठा पान है, पिता परिवार की शान है। बच्चे पढ़ लिख कर कितने भी कामयाब हो जाए, बच्चे पढ़ लिख कर कितने भी कामयाब हो जाए, लेकिन पिता से ही बच्चों की पहचान है, लेकिन पिता से ही बच्चों की पहचान है। लोगों को सिर्फ लोग सिर्फ देखते हैं पिता की डांट और पिता का मार, लोग सिर्फ देखते हैं पिता की डांट और पिता का मार, लेकिन पिता भी अपने बच्चों से करता है बेहद प्यार, लेकिन पिता भी अपने बच्चों से बेहद करता है प्यार। अपने छोटे नन्हे बच्चे की टट्टी भी कभी कभी पिता अपने हाथ से धोता है, अपने छोटे नन्हे बच्चे की टट्टी कभी कभी पिता अपने हाथ से धोता है। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में माँ के बराबर पिता का भी योगदान होता है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में माँ के बराबर पिता का भी योगदान होता है। हमारे पिता के मौत के कई वर्षों के बाद भी हमारे पिता के मौत के कई वर्षों के बाद भी आज भी हमें हर रोज हर पल हमारी उंगली पकड़े हमारे पिता दिखाई देते हैं। हमारे पिता के मौत के कई वर्षों के बाद भी आज भी हर रोज हर पल हमें हमारी उंगली पकड़े हमारे पिता दिखाई देते हैं। हम भी हर रोज कुछ पल हमारे पिता के याद में रो लेते हैं, हम भी हर रोज कुछ पल हमारे पिता के याद में रो लेते हैं, हम भी कुछ पल हमारे पिता के याद में रो लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी हिंदी कविता, अपने बच्चों के लिए पिता तमाम खुशियों का एक बड़ा गांव है, यह थी हमारी हिंदी कविता। दोस्तों, 21 मई 2018 को हमारे पिता का निधन हुआ था और 21 मई 2021 को उनको तीसरा साल हुआ और उनकी बरसी थी और 21 मई 2021 को उनका स्मृति दिन था, और इसलिए इसके पहले पूरे विश्व के अंदर में मदर्स डे माँ का दिन मनाया गया है और अभी हमारे पिता का स्मृति दिवस था, तो हमने कोशिश की इस कविता के माध्यम से हमारे पिता को आदरांजलि देने की कोशिश की, अभिवादन देने की कोशिश की, और विश्व के अंदर तमाम जो पिता है जो अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और उनको बीमार पड़ जाए तो उनको दवाखाना लेके जाते हैं, इलाज करते हैं, उनको नए कपड़े लाते हैं, उनको उनके लिए नए खिलौने लाते हैं, उनको पढ़ाते लिखते हैं, तो विश्व के तमाम पिता के मेहनत को हम सलाम करते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं, अभिवादन देते हैं और हम अपने संवाद को यहाँ विराम देते हैं। दोस्तों, अब हम एडवोकेट सुधीर एस्ताडे आपसे इजाज़त लेते हैं, अगली बार कविता हमारी इस सेगमेंट में हम फिर से आपसे रूबरू होंगे हमारी एक नई कविता के साथ। अब आपसे हम इजाज़त लेते हैं, धन्यवाद। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान, धन्यवाद।